ग्वालियर से एक हादसे की खबर आपको दिखाएं, जहां पर तेज रफ्तार कार ने 6 लोगों को रौंद दिया। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के बाद बिजली के खंभे से टकराई है कार। नशे की हालत में ये ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। इसके बाद लोगों ने वाहन चालक को पकड़कर पीट दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये सीसीटीवी फुटेज कि ये नशे में था ड्राइवर और अंधाधुंध तरीके से स्पीड से आ रहा था और कई लोगों को इसने बुरी तरह से रौंद दिया और आगे जाकर एक बिजली के खंभे से टकरा कर खुद ये कार भी क्षतिग्रस्त हुई। बाद में लोगों ने पकड़ कर इस शराबी चालक की पिटाई कर दी है। नासिर गौरी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनकी बात करते हैं। नासिर, ये बड़ा खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा है, भीड़ भाड़ा वाला इलाका है, वहां पर एक शराबी चालक ने किस तरह से कई लोगों को रौंद दिया, क्या जानकारी और कि जो घायल है उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, हार्ट ऑफ सिटी महाराजवाड़ा है, वहां पर खरीदारी करने के लिए एक ही परिवार के 6 सदस्य आए थे और खरीदारी करने के बाद वापस अपनी टू व्हीलर गाड़ी से लौट रहे थे। लेकिन उसी दौरान इनोवा गाड़ी है, उसका जो चालक है शराब के नशे में था और उसने रौंदते हुए इन परिवार के लोगों को निकला, जिसके बाद आगे उसको जो लोग थे वहां पर स्थानीय लोग थे उन्होंने पकड़ लिया, उसके बाद उसकी जमकर धुनाई की है और फिर पुलिस को सौंप दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ जाहिर होता है कि ये हादसा और भी जिस तरह से उसकी रफ्तार है गाड़ी की, और भी लोग शिकार हो सकते थे। अगर उसके जो गाड़ी है खंभे से अगर नहीं टकराती तो और भी बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जिस तरह से जो तस्वीरें साफ दिखाई दे रही है कि कितनी स्पीड में था और भीड़ भाड़ वाला इलाका, यानी कि हार्ट ऑफ सिटी महाराजवाड़ा बिल्कुल सेंटर में ग्वालियर के मौजूद है, जहां पर आवक हर लोगों की जो आवक है हजारों की संख्या में रहती है। थोड़ा सा आगे और चलेंगे तो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। उस जगह पर अगर इतनी स्पीड में गाड़ी चल रही है तो पुलिस के ट्रैफिक के लोग कहां थे, क्यों पहले उसको नहीं रोका गया, ये भी सवाल कई सारे पैदा होते हैं। हालांकि अब जो चालक है, वाहन चालक है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, गाड़ी को हिरासत में ले लिया है और साथ ही स्थानीय लोगों ने गाड़ी को भी तोड़फोड़ कर दी, क्योंकि इतनी स्पीड थी लोगों को भी ये लग रहा था कि हम भी हादसे का शिकार हो सकते, तो उनका भी गुस्सा बहुत ज्यादा इस गाड़ी पर और ड्राइवर पर फूटा है। उन्होंने गाड़ी और चालक को जमकर मारपीट भी की है। नासिर, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत तेज टक्कर इन 6 लोगों को रौंदते हुए गाड़ी निकली है। इनकी स्थिति फिलहाल कैसी है अस्पताल में? चूंकि कई लोग हम देख रहे हैं कि हादसे के बाद कुछ लोग नीचे जमीन पर पड़े भी नजर आ रहे हैं। देखिए, 3 लोगों की स्थिति ज्यादा गंभीर है, उनको स्थानीय अस्पताल है वहां पर भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही टू व्हीलर से 2 या 3 गाड़ियां हैं वो भी क्षतिग्रस्त हुई है, वो भी पूरी तरह से टूट गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ा हादसा फिलहाल कह सकते हैं कि होते होते बच गया। हालांकि घायल जरूर हुए हैं, 3 लोग घायल जरूर हुए, ज्यादा गंभीर है, उनकी हाथों और पैरों में चोट लगी है। लेकिन एक बड़ा हादसा जो कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से गाड़ी दिख रही है सीसीटीवी फुटेज में हादसा होते हुए दिख रहा है, उसे लगता है कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। और नासिर, जो शराबी चालक बताया जा रहा है उसके बारे में कोई अपडेट? देखिए, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और शुरुआती दौर में यही लगा है कि शराब के नशे में बहुत ज्यादा था, इसके कारण इससे जो गाड़ी थी वो अनियंत्रित हो गई और स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड में ये बड़े बाजार में चला रहा था। पहचान हो गई है उसकी नासिर? हाँ, पहचान हो गई है, स्थानीय है ग्वालियर का और वो टैक्सी की ये गाड़ी चलाता था और अपने घर के लिए वापस लौट रहा था, तभी ये हादसा हुआ है। जी नासिर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा आपको दिखा रहे हैं हम। ये सीसीटीवी फुटेज में ग्वालियर का ये हादसा कैद हुआ है, जहां पर एक कार ने 6 लोगों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के सदस्य थे जो शॉपिंग करने के लिए मार्केट आए हुए थे, लेकिन अचानक से हादसे का शिकार हुए। लेकिन गनीमत यह रही, जैसे हमारे सहयोगी ने बताया, कि कार चालक चूंकि नशे में था और बेकाबू रफ्तार हुई और उसके बाद आगे जाकर एक बिजली के खंभे से टकराकर कार रुक गई, वरना ऐसे ही कई और लोगों को रौंदते हुए ये कार आगे बढ़ सकती थी।